आप लोग का स्वागत है किचन क्वीन के एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को ढोकला बनाकर दिखाना चाहूँगी। ढोकला जो है वो सूजी का या चने के आटे का भी बनता है, बट मैं आज आप लोगों को बेसन का ढोकला बनाकर दिखाना चाहूँगी। तो बेसन का ढोकला बनाने के लिए अगर आपके पास बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या फिर यीस्ट नहीं है तो आप ये इनो डाल के इसको बना सकते हैं। और इसमें ये जो लेमन फ्लेवर है ये हमें इनो का टेस्ट, मतलब नींबू का टेस्ट देगा, तो हमें इसमें नींबू डालने की भी ज़रूरत नहीं है। बस एक इनो ले आइए और अपने ढोकले को बना सकते हैं आप अपने घर में। तो चलिए इसके हम लोग सामान देख लेते हैं क्या क्या लगेगा। तो मैंने ये बेसन लिया है, आप बेसन नाप के डालें, आपके घर में जो कप यूज़ होता है आपके फैमिली क्वान्टिटी के हिसाब से उस कप से आप नाप के डाल लें बेसन ढोकले का बैटर बनाने के लिए। और मैं इसके मसाले दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो हमारे ढोकले को बनाने के लिए ये मैंने कुछ सामान लिए हैं, बस आपको इतना सामान ही लगेगा। और मैंने ये चीनी ली है, पिसी हुई चीनी है ये मेरी, आप चाहें तो खड़ी चीनी भी ले सकते हैं। पिसी चीनी मैंने इसलिए लिया ताकि जो ये बैटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप चाहें तो इसको अलग से भी डाल सकते हैं, जैसे हम लोग इसका रस बनाकर भी हम लोग ढोकले के ऊपर डाल सकते हैं, बट मैं इसको बैटर के अंदर ही डालूंगी ताकि जो इसका मीठापन है वो हमारे बैटर में मिक्स हो जाए और अच्छा लगे। हम इतना चीनी नहीं डालेंगे, इसे हम लोग अपने मतलब जिस कप से हमने नापा है बेसन को उसका आधा हम लोग ले लेंगे चीनी। जैसे हमने 4 कप लिया है तो हम लोग 1 से 1.5 कप चीनी ले लेंगे, उसी से 1 से 1.5 कप। तो चलिए इसके मसाले देख लेते हैं। हमें ये मैंने हरी मिर्च ली है, 4 हरी मिर्च ली है। आप चाहे तो अपने आप लोग कितना तीखा खाते हैं वैसा आप लोग ले सकते हैं मिर्च। ये मैंने सरसों लिया है, ये मैंने करी पत्ता लिया है। इन 3 चीज़ों से हम तड़का लगाएंगे हमारे ढोकले में। और ये मैंने हल्दी और नमक लिया है टेस्ट के लिए और कलर के लिए, बस इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने ये पानी लिया है, तो हमें पानी नाप के डालना है उसमें कि हमें अपने बैटर को ना ज़्यादा गाढ़ा करना है ना ज़्यादा पतला। तो चलिए अब मैं इसका बैटर आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो चलिए अब हम लोग हमारे ढोकले का बैटर बना सकते हैं, बना लेते हैं। तो हम लोग इसका बैटर बनाने के लिए मैंने ये अपने फैमिली क्वांटिटी के हिसाब से बेसन लिया है, लगभग 2 छोटा कप पहले लिया है बेसन। तो अब हम लोग इसमें पहले हमारा जो इनो था वो डाल देंगे ताकि हमारा जो सोडा और नींबू का रिएक्शन है वो पहले हो जाए। उसके बाद हम लोग इसमें अपना नमक और हल्दी डालेंगे और चीनी डालेंगे। तो अब हम इसको पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए हमें पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, उसके बाद ही हम अपना चीनी और पानी जो भी डालना है डालेंगे। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। इस तरह से आप घुमा घुमा के मिक्स कर सकते हैं, ये इजीली मिक्स हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो अब हम लोग इसमें हमारी चीनी डाल देते हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरा चम्मच कैसा है, इसी से मैं लगभग 2 चम्मच चीनी ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो इसका खट्टापन चला जाएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें इसको खट्टा मीठा, जो ढोकले का टेस्ट है वो खट्टा मीठा रहता है, तीखा रहता है, तो इसलिए मैंने चीनी भी डाला इसी में। तो देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम लोग इसमें हमारा जो हल्दी हल्दी डाल देंगे, आप देख सकते हैं। ये मैं चम्मच से इसलिए नहीं डालती क्योंकि मेरा जो अंदाज़ा है वो नहीं लगता है चम्मच से, तो इसीलिए मैंने हल्दी से। अब नमक भी मैं स्वाद अनुसार डालूंगी, मैंने इसमें नमक डाल दिया, आप लोग देख सकते हैं मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला इसमें। तो अब हम लोग इसे भी अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि, और इसमें दाने दाने नहीं रहने चाहिए। तो अब हम लोग इसे मिक्स करते करते आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें जो होल कर दिया था, हमें उस होल इतना बड़ा होल नहीं बनाना है, इसमें छोटा सा होल आप लोग चम्मच से ही बना लें। उसके बाद हमें इसमें धीरे धीरे पानी डालना है, ज़्यादा पानी ना डालें एक ही बार में, धीरे धीरे डालें। आप लोग देख सकते हैं ये कितना अच्छा बैटर बनने लगा है धीरे धीरे। इसमें हम लोग और पानी डाल देते हैं थोड़ा सा,
हमें अपना बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला करना है। आप लोग ध्यान रखें, ज़्यादा पानी ना डाल दें इसमें। आप लोग देख सकते हैं हमारा जो इनो है वो रिएक्शन करने लगा है। और आपको एक और बात ध्यान रखना होगा, हमें इसको एक ही साइड में मिक्स करते रहना है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहना है। इस तरह आप अगर इस तरह करें तो इस तरह, नहीं तो इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक ही साइड में करते हैं तो जो हमारा एयर है वो इसी में बना रहेगा और हमारा जो ढोकला है वो अच्छी तरह से फूलेगा। तो आप लोग ध्यान रखें, आपका जो बेसन है वो एक ही डायरेक्शन में घूमे। जो बैटर है आप लोग देख सकते हैं, मैं इसे एक ही डायरेक्शन में घुमा रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना बैटर जो है वो ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है मेरा बैटर, ये देख सकते हैं आप लोग। हमें कुछ इसी तरह का बैटर रेडी करना है हमारे ढोकले बनाने के लिए। तो चलिए अब हम इसे पका लेते हैं, स्टीम कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें जो हमारा है वो तड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसको स्टीम करने के लिए जिस बर्तन में हम लोग इसे डालने वाले हैं उस बर्तन में आप तेल लगा लें या फिर घी लगा लें या बटर, आपकी मर्ज़ी है, या फिर बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये करना ना भूलें, नहीं तो जो हमारा ढोकला है वो बर्तन में चिपक जाएगा और निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तेल लगाना ना भूलें। ये देखिए मैंने इसमें तेल लगा लिया है मैंने इस बर्तन में। मैं एक ही बर्तन को यूज़ करूँ क्योंकि मैंने इसमें कितनी बार ढोकले बना चुकी हूँ मैं, तो इसीलिए मैं इसी को ख़राब कर रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसमें तेल लगा लिया है, पूरी जगह मैंने लगाया है, ऊपर से नीचे चारों तरफ। आप भी लगा लो। इसके बाद अब हम इसे इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे, भरना नहीं है हमें इसे। अगर बच जाता है तो रख लीजिए, आप दोबारा यूज़ कर लीजिएगा। फ्रिज में रख के आप अगली सुबह भी बना सकते हैं या चाहें तो अभी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे भरा नहीं है क्योंकि जो हमारा ढोकला है वो फूलेगा, तो फूल के ये पूरा एरिया कवर कर लेगा, तो इसीलिए भरे ना इसे। सॉरी मेरे साइड में लग गया बर्तन। तो ये देखिए अब रेडी है हमारा। तो अब हम लोग इसे गैस पे चढ़ा देते हैं। गैस पे चढ़ाने के लिए मैंने इसे एक पतीले में पहले पानी गर्म किया है, उबाल लिया है उसे। उसमें मैंने कुछ स्टैंड रखे, उसके बाद मैं इसे रख दूँगी और 30 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊँगी। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे गैस से। तो चलिए हमारा पानी जो है गर्म हो चुका है, डाल लेते हैं इसे हम लोग हमारे पानी में। तो ये देखिए मेरा पानी जो है वो उबलने लगा है। और मैंने इस कटोरी में पानी इसलिए भर के रखा था ताकि जो ये स्टैंड है मेरा वो इधर उधर हिले ना, तो इसलिए मैंने इसमें पानी भर के रखा था। फिर भी ये हिल रहा है, आप लोग देख सकते हैं गर्म हो चुका है तो हिल रहा है, लेकिन ये अब नहीं हिलेगा जब हम लोग इसमें हमारा जो बैटर है वो रख देंगे। ढोकले का बैटर ये रखने के बाद ये नहीं हिलेगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने वजन रख दिया है, अब ये नहीं हिलेगा। तो अब हम लोग इसे 30 मिनट के लिए स्टीम करेंगे, पकाएंगे इसको। 30 मिनट के बाद आके देखते हैं हमारा ढोकला कैसा हुआ है। जो हमारे गैस का फ्लेम है वो मीडियम रहेगा, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम, मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। तो ये देखिए हमारा ढोकला जो है बनके तैयार हो चुका है। 30 मिनट हो चुके हैं, मैंने गैस को बंद कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी हो चुका है आपके सामने, अब मैं आपको इसको प्रेस करके दिखा रही हूँ। मैंने इसमें होल्स इसलिए हुए हैं क्योंकि मैंने चक्कू से इसमें होल करके देखा है कि हमारा जो ढोकला है वो पका है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं ये पक चुका है हमारा ढोकला। अगर ऐसा छुरी आपका निकलता है तो मतलब आपका ढोकला पक गया है। अगर इसके इसमें चिपक के आते हैं बेसन वगैरह तो कच्चा लगेगा और कच्चा रह जाएगा, तो इसीलिए आपकी छुरी ऐसी निकलनी चाहिए, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे उतार लेते हैं गैस से। गैस तो मैं बंद ही कर चुकी हूँ, फिर भी हम इसे उतारेंगे तो हमारा जो तड़का है ढोकले के ऊपर वो लगाएंगे। तो चलिए तड़का लगा लेते हैं। सबसे पहले हम इसे प्लेट में खाली करेंगे। तो ये देखिए मैंने ढोकला जो है वो निकाल लिया है आपके सामने, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा ये दिख रहा है, कटोरे शेप में है। तो अब हम लोग इसमें तड़का लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग कलछुल में जो है रिफाइंड ऑयल ले लेंगे, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं, घी से अलग टेस्ट आएगा। तो हम लोग अभी इसमें इसलिए डालेंगे क्योंकि जब हम लोग इसे गैस पर चढ़ाते हैं तो इसको पकने में भी टाइम लगता है, तो
तो अब हम लोग इसमें हमारा जो है जीरा और करी सॉरी सरसों और करी पत्ता डाल लेते हैं। ये देखिए मैंने जो करी पत्ता लिया था धो के रखा था तो सूख चुका है अभी, इसका पानी पूरा। अगर आप पानी के साथ छौंका लगाते हैं, अगर आप इस तरह से लेते हैं और जलती हुए आग पे पानी के साथ करी पत्ता डाल देते हैं तो आग लग जाती है। आग मतलब कलछुल में ही लगती है, पूरे किचन में या पूरे घर में नहीं लगती है, जस्ट जिसमें आप तड़का लगाते हैं उस पैन में लगती है। तो देखिए मैंने इसमें सरसों भी डाल दिया है। तो अब हम लोग इसको गैस पे पकाएंगे और हमारे ढोकले के ऊपर ला के डाल दें। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा सरसों करी पत्ता कितना अच्छी तरह से भून चुका है और हरी मिर्च भी में कलर में भी चेंज आया है। तो इसका मतलब है हमारा जो तड़का है वो तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसे हमारे जो ढोकला है उसके ऊपर अच्छे से डालेंगे, घुमा के डालेंगे चारों तरफ ताकि अच्छी तरह से चारों तरफ चला जाए इस तरह से। ये देखिए तो हमारा ढोकला जो है खाने के लिए तैयार है। अब चाहें तो जो चीनी हम लोग लेते हैं वो पानी के साथ उबाल के हम इसे उसके साथ डाल के, मतलब पानी के साथ जब उबालते हैं तभी सरसों और करी पत्ता पका लेते हैं और हरी मिर्च डाल के तब हम डाल सकते हैं सिरप बना के, या फिर चाहें तो इसी तरह तड़का लगा के खाएं। तड़का लगा के ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसका टेस्ट अलग आएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो तो अब चाहें तो आप इसमें कट्स लगा सकते हैं, मतलब इस तरह से आपको जो साइज़ चाहिए उस साइज़ में आप कट लगा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है ये आपको कितना बड़ा ढोकला चाहिए। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा ढोकला, स्पॉन्जी भी है और अच्छे से बना भी है। ये केक शेप में भी बना है, आप चाहें तो इसको केक भी कह सकते हैं, ढोकला केक। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे ऑलरेडी व्यूअर हैं तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा मेरी ये ढोकला कैसा लगा आप लोगों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।